हरे कृष्णा, वेलकम टू तुलसी महिमा सीरीज। इस सीरीज में हम आपको बताते हैं तुलसी महारानी की ग्लोरीज। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ब्राह्मण के पुत्र के बारे में, जिसने एक गलती की और एक अच्छी चीज की, तो उसके साथ क्या हुआ। साधु संग, साधु संग, सर्व शस्त्र काय, लोभ मत, साधु संग, सर्व सिद्धि हाय। एक ब्राह्मण थे ऋचिक मुनि और उनके एक पुत्र थे ब्रह्म महत्तप। तो ब्रह्म महत्तप जो थे, इनको रोज इनके पिताजी बोलते थे कि भोग लगाओ तो तुलसी के पत्र को धुल के लगाओ, लेकिन वो रोज भूल जाते। रोज वो सोचते कि हाँ ठीक है, मैं आज इसको वॉश करके तुलसी के लीव्स को अच्छे से, देन आई विल ऑफर द भोग टू द लॉर्ड, लेकिन रोज वो भूल जाते। रोज उनके पिताजी कहते ऋचिक मुनि जी कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तुम्हें रोज बोलता हूँ मैं लेकिन तुम नहीं धुल रहे हो। तुलसी पत्र को धुल के भोग लगाना चाहिए, अगर नहीं भोग लगाओगे तो बहुत बड़ा अपराध है ये। ठीक है पिताजी, अब मैं कल से ज़रूर करूँगा। कल आ गया, कल फिर वैसे ही भोग लगा दिया। बेटा मैंने तुमसे कितनी बार बोला, तुमको नहीं समझ में आ रहा क्या? अब पिताजी मैं भूल जाता हूँ पिताजी, सॉरी, मैं कल से पक्का करूँगा। ऐसे कल करते 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 वो कभी भी तुलसी पत्र को धुलते नहीं थे, ऐसे ही भोग लगा देते थे। एक दिन ऋचिक मुनि जी बहुत क्रोधित हुए, तुमको कितनी बार बोला, तुमको समझ में नहीं आता, तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते, ब्राह्मण कहाँ से ब्राह्मण हो तुम, अरे तुम तो मलेच्छ से भी गई गुजरे हो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, शूद्रों वाली बुद्धि है, तुम निकल जाओ यहाँ से। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए, पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अगले जन्म में तुम मलेच्छ बनकर पैदा होगे, क्योंकि तुम मलेच्छों वाले काम कर रहे हो। पिताजी लेकिन पिताजी मैंने भगवान को तुलसी ऑफर किया है पिताजी। हाँ, तुमने तुलसी ऑफर किया है, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ कि उस समय के तुम सबसे उच्च भक्तों में से एक होगे। जी पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। उन्होंने श्राप दिया और आशीर्वाद दिया। पता है वो पुत्र कौन थे? ये ब्रह्म महत्तप। आगे चलकर कौन बने ये आप लोगों को पता है? अगले जन्म में नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जी हाँ, श्रील हरिदास ठाकुर जी ही थे जो मुस्लिम परिवार में उन्होंने जन्म लिया और कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरे समाज में फैलाया। ऐसे थे श्रील हरिदास ठाकुर जी। हाँ, श्रील हरिदास ठाकुर जी का ब्रह्म विमोहन लीला से हम पे पता चलता है कि वो ब्रह्मा जी हैं, प्रहलाद जी हैं, और गौर गणोद्देश दीपिका ये भी हमको बताती है कि वो ये ब्रह्म महत्तप हैं। जी हाँ, श्रील हरिदास ठाकुर जी आगे उन्होंने फिर तुलसी का कैसा प्रचार किया, तुलसी की क्या महिमा बताई, इसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तुलसी महारानी की जय। हरे कृष्ण।